बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में हुई डकैती का पुलिस ने 7 दिनों में पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक रायसेन के पारदी गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया था। सबसे पहले आरोपियों ने नवरात्रि मेले में गुब्बारे, फूल, खेल खिलौने बेचते हुए घटना स्थल की रेकी की। इसके बाद व्यापारी के घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कुल 13 आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं इस घटना की शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने मामले का खुलासा कर 13 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। हमारे बुरहानपुर जिले में नेपा नगर में दीपावली के जस्ट बाद में 3 तारीख को जो प्रातः वृंदावन कॉलोनी में, जो कि नेपा नगर से थोड़ा आउटसाइड में है, उसमें रौनक जैन के यहाँ पर जो एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 3 बजे से 4 बजे के बीच में 10 से 12 लोग, उस वक्त जो बताए जा रहे थे 12-13 लोगों का, उनके द्वारा उस घर में घुस के उनके द्वारा मारपीट करके जो ऑर्नामेंट्स लेके गए थे, उस घटनाक्रम को बुरहानपुर पुलिस ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया था। चैलेंज के रूप में उसमें बहुत ही वृहद स्तर पर हमारी सारी टीमों ने एक्टिविटी स्टार्ट की। मौके पे हम लोगों ने डॉग स्क्वाड हो, चाहे फिंगरप्रिंट हो, चाहे सीसीटीवी फुटेजेस के बारे में डिटेल निकालने की बात हो, लगातार हमारी कार्रवाई चल रही। इस पूरी कार्रवाई में 100 से अधिक लोग हमारे लगातार 3 तारीख की देर रात्रि और सुबह से लगा के लगातार लगे हुए थे, और उसमें हमको एक काफी बड़ी सफलता मिली थी। जो घटनाक्रम का मुख्य खुलासा इस प्रकार है कि ये जो घटना घटित की है, वे सारे के सारे पारदी गैंग के द्वारा यह घटना की है। ये घटना में साची के पास गुलगांव है, वहां के मुख्य रूप से ही आरोपी हैं। ये सारे के सारे जो आरोपी गण हैं, इनका मुख्य व्यवसाय में नवरात्रि या अन्य मेले जो रहते, दीपावली या उसके दशहरे के आसपास में गमले, फूल, गुब्बारे, इस तरह के जो चीजें बेचने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं।